वही मक्का था, वही मक्का के काफिर किसी को रास्ते में टिकने की हिम्मत और जुर्रत नहीं। जिसका मतलब कि जब तक कम से कम भी मुआशरे और सोसाइटी में से 1% लोग आपके साथ खड़े नहीं होते, तब तक इनकलाब का ख्वाब शर्मिंदा है तभी। क्योंकि मक्का की आबादी 10 लाख थी और 10 लाख के शहर को फतह करने के लिए 10,000 की जरूरत पड़ी, और ये रेशो निकालें तो 1% बनती है। कबली वाले आका की सीरत से बढ़कर कुरान के बाद रहनुमाई का कोई सोर्स तो टोक हतमी तरीके से बता दिया गया 1% कम से कम चाहिए सर फिरे लोग क्या ले। और आपके मंडी बहाउद्दीन की आबादी है 16 लाख और 16 लाख का 1% बनता है 16,000। मंडी वाले इनकलाब की बात उस दिन पूछेंगे इनकलाब कब आएगा जिस दिन अपने साथ 16,000 जिया लेते हैं। उसका बता रहा हूँ, ये हमने 3 सालों में करना है। 16,000 3 सालों में अगर हमने अपने साथ बंदे तैयार करने हैं तो आपके पीपी हलका जात कितने हैं? अब आपकी बड़ी जहनी तैयारी चाहिए, क्योंकि ये बात आप मेरे पास सामने व्हाइट बोर्ड नहीं है, वरना मैं बोर्ड पर लिख के आपको समझाता। अब आपने जुबान नहीं समझना, जैसे जुआ जाप कल समझाया वैसे इसको भी समझा। कितने बंदे मंडी से हमने तैयार करने हैं? जितने सदूर सारे फोरम्स के बैठे हुए हैं, जरा तवज्जो से इसको अपने टिप्स पे याद कर लें। लिखी हुई शक्ल में वसीम हमायों साहब के सपुर्द कर दूंगा सारे फोरम्स के टारगेट, मगर मैं चाहता हूँ ब्रीफ आपको जुबानी कर दूँ ताकि समझने में दिक्कत। तो टोटल मंडी बहाउद्दीन से कितने ज्यादा चाहिए? अगर 4 पीपी हल्का जाते हैं तो फी पीपी हल्का कितना टारगेट बनता है? 4,000। बड़ा आसान आसान। कितने सालों में ये अचीव करना है? 3 साल। और अगर 1 साल का टारगेट निकाले तो कितना बनेगा? 4,000 तकसीम 3 कितना बन गया? 1300। इसको राउंड फिगर 1500 कितना बन गया? तो हर पीपी हलके ने सब फोरम्स ने मिलकर 1 साल के अंदर 1500 ज्याले तैयार करने हैं पीपी हलके से। क्लियर है बात? अब अगली बात सुने, इसको मैं चाहता हूँ कि इतना आसान कर दूँ कि बस आपको दिक्कत पेश ना आए, ये मसला यूं हल हो जैसे चुटकी मारने से हल हो। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि 1500 जियाले तैयार करने के लिए पीपी हलके से हम 150 मुस्तफवी कारकुन तैयार करेंगे। कितने? 150। और वो 150 ऐसे मुस्तफवी कारकुन होंगे जिनमें आगाज होगा पीपी हलके के सदर से, क्योंकि हम बात पीपी हलके की कर रहे हैं। मगर मैंने नीचे मुस्तफी कारकुन की डेफिनेशन पेपर पे लिख दी है। अब अगर मैं आपके जोन का हेड हूँ तो सबसे पहला मुस्तफी कारकुन मैं हूँ, मियाँ रेहान साहब होंगे, हमारे राणा वहीद शहजाद साहब होंगे, फोरम्स के हेड आगाज वहाँ से होगा। मगर मैं आपको पीपी हलका समझा, तो पीपी हलके के ओहदेदारान से लेकर यूसी और यूनिट लेवल तक के जितने ओहदेदारान हैं जो आज आप आए बैठे हैं, ये मैंने 2-3 बंदों से कन्फर्म किया है कि ये अवामी जलसा है या आपके ओहदेदारान, तो मुझे ये पक करवा दिया गया है कि ये अवामी जलसा नहीं है, सारे ओहदेदारान भी नहीं है, चूँकि खाने का भी इंतज़ाम है तो उतने ओहदेदारान को बुलाया है जितनों के लिए हम इंतज़ाम करें। बैठे हैं तो हर ओहदेदार पहले मुस्तफी कारकुन, और उससे हटकर फिर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे भी ज्यादा सलाहियत रखने वाले हैं, मिशन से कमिटमेंट वाले हैं, मगर उनके पास जिम्मेदारी कोई नहीं, उनको भी मुस्तफी कारकुन बनाए। तो हम टोटल पीपी हलके से इस टारगेट को अचीव करने के लिए 150 मुस्तफी कारकुन तैयार करने हैं, जिनका हदफ ये होगा कि वो हर महीने पूरे महीने के अंदर सिर्फ 1 नया बंदा मिशन में शामिल करेंगे रफीक। अब देखे ना, जुलाई का महीना हमारा तंजीम साजी में गुजर, अब ये अगस्त का महीना भी तंजीमों को ये बात समझाने में गुजर जाएगा। 2 महीने तो गुजर गए, 2 महीने के बाद पटरी पे गाड़ी चढ़ेगी, तो कम से कम अगर 10-10 भी हर मुस्तफी कारकुन नए रफीक बना दी तो 150 बंदा अगर तैयार होगा तो हर बंदा 10 बनाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1500। भाई 150 दरबे 10 कितना बना? 1500। 1500 का हदफ पूरा हो गया। हो गया। अब मुझे बताएं कि मसलन सैफुल्ला तारिड साहब पीपी हलके के सदर, क्या साल के अंदर ये 10 बंदे नहीं बना सकेंगे अपने साथ?
और अगले मैंने पेपर में लिखा है कि ये जो बंदे आप रफीक बनाएंगे, इन बंदों में 15 साल से कम वाला कोई नहीं चाहिए, 65 साल से ऊपर वाला कोई नहीं चाहिए। ये निकाल, मरहूम भी शामिल नहीं है, बीमार अपाहज भी शामिल नहीं है। ऐसे लोगों को बनाना है कि जिनको अगर आज हुजूर शेखुल इस्लाम काल दें तो हमारे साथ निकल सके। और मैं कह रहा हूं महीने में एक बनाना है। मैं दयानतदारी से बात करूं तो सच्ची बात यह है, मेरा घर है, मैंने उसके कुछ पोर्शन किराए पे दिए हुए हैं। मैं दयानतदारी की बात कह रहा हूं कि अभी तक मैंने कभी उनको भी बिठाकर मुखलिसाना तौर पर मिशन समझाकर उनको मिशन में शामिल करने के। तो जब मेरा ये हाल है तो मैं अंदाजा कर सकता हूं बाकी लोगों का हाल क्या। आप मुझसे अच्छे होंगे मगर इतना हल्का यह अहबाब अभी हमारा पड़ा हुआ है कि जिन पर हमने कभी मेहनत करने की। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मेरे फोन के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों के नंबर हैं। अगर मैं मिशन से रिलेटेड लोगों को निकाल दूं बड़े मुबालगे के साथ भी तो 500 फिर भी ऐसे नंबर निकल आएंगे जिनका मिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा फर्ज नहीं बनता उन पर मेहनत करूं? और साल में कुल कितने बनाने हैं मुझे बताएं? जो सदर साल में 10 बंदे, महीने का एक बंदा भी रफीक ना बना सके तो फिर उस सदारत को क्या करना है? आप किसके लिए इतना खपते हैं? मारे मारे जाकर पहले भी सदर बनाएं, पीपी हल्के बनाएं, तंजीमें फिर यूसीज की बनाएं, यूनिट बनाएं, जब 2 साल पूरे हों तो सारी तंजीमें तोड़ें।